भागवत की कथा प्रारंभ हो रही है। कथा को विश्राम आप करो, यानी विषम पिता में कहो युधिष्ठिर कृष्ण भगवान आदि आकर के और युधिष्ठिर ने राजगद्दी पर बिठा दिया और अश्व में यज्ञ करायो, इस जगह पर विश्राम करो। सूत्र जी कह रहे हैं कि है ऋषियों अश्वमेघ यज्ञ करा करके और कृष्ण चंद्र भगवान राजा युधिष्ठिर ने किया द्वारका स्वयं बहुत दिन हो गया, अब मैं इन्हें इस साइड में रखा। उत्तरा के गर्भ के मैंने जलन लगी, जलन लगी इतनी जोरदार की कि उत्तराओं बाद जलन सहन को नहीं हुई। अरे उत्तरा के गर्भ में टापर न्यारो जना उत्तरा कुंती के नाई आ विश्वासों को बाजी बाजी, माताजी मारे पेट में जलन लाग रही है, माताजी मारे पेट में जलन लाग रही है बहुत जबरदस्त। कुंती मन में विचार करियो रे टबर है पेट में, अरा इतनी जलन क्या लागी? जलन कई चीज की लागी के अश्वत्थामा ने अपमानित कर छोड़ियो, जा अश्वत्थामा भी को बदलो लेने खातर है दूर जापरो और ब्रह्मस्त्र छोड़ियो है। कभी पांचों भाई ने पांडवा ने भस्म कर दे बाल दे, वो ब्रह्मस्त्र पांच मुंडा बना पांचों भाई ने खानता ही आओ बीमो एक म्यूस और टुकड़ो निकल एक उत्तरा के गर्भ में पांडवा को फंसो तो टबर हो बिन मारने नहीं और चले गयो। वो टुकड़ो उत्तरा के गर्भ में जाल भी बालक ने मारने की तैयारी करी नहीं जना एक जलन पैदा। कुंती उत्तरा को हाथ पकड़े और बाजी बाजी कृष्ण भगवान का नाई बे बेटे युधिष्ठिर ने द्वारका जानता है केवा और कुंती आ गई। अरे कृष्ण उतरा के गर्भ में बालक है जलन पैदा हो गिरे, अरे के बच्चा को बिगड़ नहीं जावे रे, बच्चा रो की नहीं हो गया। कृष्ण भगवान देख के जलन कें की आगे देखा तो ब्रह्मस्त्र को टुकड़ो बुड़ मिले। कृष्ण भगवान सुदर्शन चक्र ने कियो अरे जल्दी जा गर्भ में अरे बच्चा ने बचा। सुदर्शन चक्र ने भेजो पर जी कौन दाता जाने रे कई भरोसा सुदर्शन चक्र रक्षा होगा नहीं हुआ। जा आप अंगूठा जितो छोटो सो रूप बनायो छोटी सी देह धारण करे
और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गया। अब वो ब्रह्मस्त्र है भी बालक ने आपके तेजो बाल न चावे, जना आप छोटा सा बच्चा बनर बीच में आ गया, ब्रह्मस्त्र को तेज आप वाले पीठ पर झांक ले और बच्चा पर कौन जानोगे। अब जो ब्रह्मस्त्र चले जाने अटो खड़ो अटो बाल देशो, पर ए जो जो वो चले जो जो मेरे बार बार बच्चा के बार बार घूमे और तेज है बच्चा पर जान बन ले। बच्चों गर्भ में सुतो वो मन में विचार करे, अरे अपा अपनी माँ का दो भाई होश है, एक भाई को अपा बड्डो है जब घूमे है वो बड्डो भाई है, दो भाई जन्म आपा। अब ब्रह्मस्त्र को टुकड़ो बच्चे ने जलाने की कोशिश ना करता पे अपने ए पेपर असर आन दियो को दी। उन्होंने सुदर्शन चक्र रक्षा करने के कारण बारह पांचों भाई ने भी मार कौन से क्यों ब्रह्मस्त्र को जोर कौन सा लियो। जब ब्रह्मस्त्र धा पर पाचो अश्वत्थामागन चलो गयो, अश्वत्थामागन गयो तो अश्वत्थामा मंत्र पढ़े और इधर तेज ने ठंडो करो, ठंडो कर उतरा गर्भ को टुकड़ो ठंडो हो गया, आपका उतरा के गर्भ बाहर निकल आ गया। सूत जी कह के है ऋषियों बच्चे ने बचा और पाछी भाई बात युधिष्ठिर ने क्यों, भाई अब माने द्वारका जानो पड़सी, बहुत दिन हो गया द्वारका माए, द्वारका भी जा संभालू महाभारत करा दियो, कितना दिन हो गया है जना उल्टी यार पगा पड़ गिरे कृष्ण तो द्वारका जासी और माने भूल जैसी मामा जे दुख पड़से तो मां की कौन मदद कर सी, आज तो इतना इतना दुख पड़ा देखा वो मां की मदद करी है। महाभारत का मायने मन विश्वास है थारे कारण ही मारा काबर जीते है, तू पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को अवतार है, राजगद्दी के शुक्र ना हो तो वो दुख ही ठीक है, देखो श्री कृष्ण तुम आके कन्न रिया करते दुख रामायण में आके मदद करना था आके कन्न रेवे वास्ते द्वारका नहीं जाकर के अठी रहे कुंती बिलाप करने के वास्ते लागी रोड़ने लागी। कृष्ण चंद्र भगवान आपकी माया फैला और कुंती ने देखी मोई तो मेली माया फैला और शांत कर और युधिष्ठिर ने कह रहे अ तो रवाना हुआ। युधिष्ठिर अर्जुन ने कह रहे अर्जुन तू सागे जा सेना ले जा, क्योंकि श्री कृष्ण महाभारत का युद्ध में आपने सागे रही है और मारा शत्रु बहुत है, वो अकेलो जा सीधा गेले में कोई शत्रु घेर ले नहीं, ये वास्ते अर्जुन सेना ले जा सागे और द्वार का पुकारा। जना अर्जुन ने श्री कृष्ण चंद्र भगवान ने रथ में बिठा और द्वार का पुकार न जावे, जना ये विद्रव देश कुंडिनपुर होता गया पंजाब कश्मीर अटे कर ये रास्ता में कर हो और द्वारका आवे, ये रास्ता द्वारका जावे देना जक्के नगरी में पुगे है भी नगरी को राजा श्री कृष्ण चंद्र भगवान को मान सम्मान करे प्रजा के जय जयकार करावे फूलों की बरसात करे घर घर आरती होवे गेले के महीने। ए द्वारका का करने पुग और आपको पांच जन्य संख बजायो, पांच जन्य संख बजाया तो सांब बेटो और अनिरुद्ध पोतो अन्य द्वारका के रक्षा के खातिर छोड़ गया है, कभी मैं जाऊं महाभारत को युद्ध कराने ते द्वारका की रक्षा रखी रुखाली रखे रक्षा करा देना। ए दोनों सांब अनिरुद्ध वो पांच जन्य संख की आवाज सुनी और मन में विचार कर रहे महाभारत में जीत श्री कृष्ण आज्ञा दिखा मनमोहन जहां नगरी के मायने द्वारका में द्वारका वासी सारा का सारा खुश हो गया,
सांबर अनिरुद्ध सगला हुक्म कर दियो गली गली के मायने चंदन है और गुलाब जल छिड़काव कर दियो घर घर हर दरवाजा पर गोपी कावा नख नख गहना कांटा पैर पैर और आरती की थाला ले लेकर खड़ी होगी। और श्री कृष्ण चंद्र भगवान द्वारका में आया घर घर बाकी आरतियां उतारी है और मेला में आ और वसुदेव जी देवकी उग्रसेन जी अनसन है प्रणाम करे बराबरिया गले मिले हैं बड़ा ने प्रणाम करया है और छोटा ने आशीर्वाद दियो है। देवकी वसुदेव जी उग्रसेन जी महाभारत की बात सुनकरा और बड़ा खुश हुआ अनसन ने बातें बता और पता 16,108 मेला में 16,108 दही धारण करके और एक कस आगे गया है। रुक्मणी आदि सारी राणिया से आप आकर मेल कर दरवाजा पर आरती उतारी है और सब मेला का मायने एक कस आगे गया है। उना नहीं कहीं हुआ है उन्होंने जो उतरा का गर्भ में बच्चों हो वो समय पाकर के दसवा महीने जन्म लियो जन्म लियो जना वो बच्चों जन्म ताई आंखें खोल बट खड़ी नहीं लुगाया जगह निशान है देखे देखे जना मैं लुगाया क्यों अरे देखो अरे जन्म तो टाबर सगड़ा की परीक्षा लिया अरे सन देखे बात बारह भी लुगाई कर दे क्यों बच्चों जन्म तो यहाँ क्या कौन सांख का दर्शन कर सांख की परीक्षा ने देखी सगड़ा का चेहरा देखे जहां ब्राह्मण ने पंडिता ने युधिष्ठिर ने सांध ठापर क्यों युधिष्ठिर ने उत्तरा का और बालक जन्म्यो जन्मता ही नंदे मुख श्राद्ध करायो और ब्राह्मण ने बुला अनेक प्रकार का दान दक्षिणा दिनी और युधिष्ठिर ब्राह्मण ने बुला आपा जिया नाव पूछा भी हाँ ग्रह नक्षत्र पूछा महाराज बच्चा का ग्रह नक्षत्र बताओ जहां ब्राह्मण लोग ग्रह नक्षत्र देख और कहने लगे राजा ओ जो को बालक हुई है ओ जिया जन्म तो यहाँ क्या खोज सर की परीक्षा ली है जन्म तो शाह की परीक्षा लिया ही वास्ते को नाम परिचित रख दे और राजा ग्रह नक्षत्र यहां कलपड़े हैं यहां कलपड़े हैं कहो बड़ो पराक्रमी बलवान सूरवीर राजा हुआ था और सातु दीपा को राज करेगा इरा ग्रह नक्षत्र शहर बुद्धिमान तो बृहस्पति जी के समान वालों और दिल्ली में हिमाचल हिमालय के समान गंभीरता में समुद्र के समान और सूरवीरता के मैंने परशुराम जी के समान दाता में शंकर जी के समान और सुख देखने के मैंने इंद्र के समान और राजऋषियों की गिनती में आवलो तारो पोतो प्रजा इतने राज्य में बड़ी भारी सुख पावेली यश कीर्ति मान सम्मान इतो फैलावा गो इतो फैलावा गो कह इसको पोतो थारे यही गोदी गई राजा युधिष्ठिर ने बात सुन और बड़ो खुश हुए अरे पांचों भाइयों के बीच में वो एक बालक जन्मे पोतो जो ऐसा ग्रह नक्षत्र पड़ा है आप यश कीर्ति चैनल की समा का मैंने फैला दे सी राजदृश्य में गिनती ऐसी ब्राह्मण लोग बातें बताता बताता कह रही है राजा एक ग्रह नक्षत्र यहां कला है का ओ कलजुग ने बिदड़ दे सी इन राज्य में कलजुग प्रवेश कौन कर सके अंत के महीने अंत में जाता इन्हें एक ऋषि को बेटो श्राप देसी
भी श्राद्ध का कारण तक्षक नाम को श्याप नसी और गंगा किनारे थारे पोते की मौत और राजा युधिष्ठिर को मुंडो त्रिपियो। अरे महाराज, अरे श्याप का कसन हो तो बधाई मरो, कोई ब्राह्मण ऋषिया के क्रोध तो कौन मरे नहीं, अग्नि क्रोध रूपी अग्नि तो कौन मरे नहीं। महाराज मारे कुल में कलंक लाग गया नहीं पांडव के वंश का मायने, जिना ब्राह्मण लोग क्यों नहीं राजा, ऋषि महात्माओं का क्रोध रूपी अग्नि को नहीं बड़ा है, और ऋषि महात्माओं को बड़ो भारी भगत उसी साधु संता को भगत उसी सेवा कर सी बाकी। अरे ओ भगवान को ऐसो भगत उसी के यानी थामे तो जद दुख पड़ी है नी विपता पड़ी है, जना थे श्री कृष्ण ने याद करी है और ओ बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति कर से, अंत समय में गंगा किनारे प्राण छोड़ी नी, जना श्री कृष्ण चंद्र भगवान को स्वरूप हृदय में धारण कर आपको मन बांकर शरण में लगा और मेरे बाद क्या मैं इन्हें प्राण छोड़ से। जना राजा युधिष्ठिर बड़ो खुश हो रहे, जना तो ठीक है कलंकित तो कौन आप। ब्राह्मण ने दक्षिणा दीनी, दक्षिणा दे विद्या करिया। अब ओ परीक्षित धीरे धीरे घर में बढ़ने लगो। राजा युधिष्ठिर आको चाचो धृतराष्ट्र और गंधार जका का सोसो बेटा महाभारत के युद्ध में मारा गया, ए दोनों जीवता रह गया। जा युधिष्ठिर मन में विचार करे, अरे अपा महाभारत को युद्ध करियो, धृतराष्ट्र गंधारी का सोसो बेटा मारा गया, ए मन में बड़ा दुखी हुआ, आकी आपा सेवा करा, आकी आज्ञा को पालन करा, अन्य सोरा रखा मान सम्मान देवा, जब आपने पाप को लगे नहीं तो आपकी आत्मा दुखी उसी दिन अपन पाप लागे। जा गांधारी ने धृतराष्ट्र ने आपके मेला में अठ रखे, आपकी सेवा करे, सवेरे स्नान करे, प्रणाम करने जावे, आपकी आज्ञा को पालन करे, बड़ी खातरदारी करे, सोरा रखा धार करता पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को अवतार हो, आपा भी ना मामा को बेटो भाई समझ करके सागर रिता दिन हरिया कमाया, जे आपा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा समझ चालता तो आप नो जन्म से पड़ो जाता। अरे जिया चंद्रमा समुद्र में हजार वर्षा तय रियो, समुद्र का जितना जीव जंतु आ सामने खड़ा है चंद्रमा में अमृत मस है, ऐसे आता है कभी अमृत पी लेवा देखो मरा को नहीं अमर हो जावा, फिर भी समुद्र का मगरमच्छ मछलिया जीव जंतु चंद्रमा के सागरीय हजारों वर्ष पर मैंने समुद्र को जीव समझे और चाल्या अमृत पिया मीना रह गया भी आई आपा श्री कृष्ण के सागे रह गया इतना दिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा समझता नहीं तो आपा अपनो जन्म सफल कर लेता, रे भाई आपा मामा को बेटो भाई समझ चाल्या। देख भाई महाभारत के मायने विषम पिता में जयद्रथ करण जी अगला भाया ने बड़ा बड़ा योद्धावा ने आज तक राजा महाराजाओं ने मैं सामने जीत्या हूं और महाभारत का युद्ध में बड़ा बड़ा योद्धा ने मारा, क्या मैं यह समझ के मारे पराक्रम को मार दियो, लेकिन आज मन था है आज मन विश्वास हुई है कि मारो पराक्रम की कोनी हो सारो खेल श्री कृष्ण को हो। भाई यह रास्ता में भील आया अरिया मन लूट ले गया, अरे बोल को मैं अर्जुन हूं अरबाई गांडी धनुष ही मार के नई भुजाई देखी महाभारत में बड़े बड़े योद्धा ने मारी, लेकिन श्री कृष्ण बिना आज मारी भुजा मारी धनुष
अरे मारो की जोर कौन चालो बे बुजार भाई धनुष्टर बोली अर्जुन है लेकिन एक भीला के सागा हार गया। आत्मन विश्वास हुआ है कि यानी श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को अवतार हो अर्पय गोलोक चला गया रे भाई। अब आप श्री कृष्ण भी नाथ रे कहीं करांगा रे राजगति का सुख में कहीं पड़े रे भाई आपने भी बेकूट चाल लो ची अर्जुन खेल नहीं की युधिष्ठिर भीमसेन सहदेव नकुल सेन होने लग गया विलाप करने लग गया रोना की आवाज मेला में सुनी थी जा कुंती द्रौपदी ए बात बात रही द्रौपदी रोने लगी कुंती तो आ बात सुनी नहीं कि श्री कृष्ण गोलो गयो ब्रो बीटे में एक हाय मारी हाय श्री कृष्ण केर पड़ी जो बीटे में प्राण दे दिया कुंती आपका प्राण दे दिया और ऐसे विलाप कर युधिष्ठिर अर्जुन ने कहने लगे अरे भाई अर्जुन अब आपा ने इस संसार का मैंने रहना कोई मतलब को नहीं आपने भी बेकूट चालो चाहिए आके सगड़ा सलाह कर अर दीक्षित ने राजगद्दी पर बिठा ब्राह्मण ने बुला अर दीक्षित ने राजगद्दी पर बिठा दियो राज तिलक कर अर दीक्षित ने कह दियो बेटा प्रजा को पालन अच्छी तरह करीजे ब्राह्मण साधु संता की सेवा करीजे ब्राह्मण की रक्षा करीजे